नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं गाजीपुर से, जहां ताजिया के दौरान बैंड को लेकर दो पक्षों में विवाद और मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष एक ही समुदाय के हैं और घायल युवक को इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रजदेपुर का बताया जा रहा है, जहां पर 10वीं मुहर्रम पर ताजिया उठने वाला था और ताजिया के दौरान ही बैंड को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान शेरू नाम के एक दबंग और उसके साथियों ने आफाक अहमद नाम के युवक को पेट में गोली मार दी है। दबंगों की मारपीट से शादाब और अदीब नाम के युवकों को चोट आई है। बताया जा रहा है कि गोली से घायल युवक को इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है, जबकि पुलिस आरोपी दबंगों की तलाश में जुटी है। मौके पर पहुंचे एसपी ने भी दावा किया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं कल ताजिया उठने वाली है यहाँ से, दो पक्षों के बीच में बैंड को लेके कुछ विवाद जो है वो हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम शेरू है, उसने और कुछ अन्य लोगों ने, जिसने शेरू को भड़काया था, इन लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर फायर किया है। उस व्यक्ति को जो है अस्पताल रेफर किया गया है, उसकी हालत जो है वो स्टेबल है। इन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उचित धाराओं में जो भी तहरीर प्राप्त होती है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि ऐसे लोगों के ऊपर गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जाए। खबर अब रायबरेली से है, जहां एक गाय उस समय मुसीबत में पड़ गई जब एक टीन की छोटी सी केन उसके मुंह में फंस गई। पहले तो लोगों ने भीड़भाड़ के चलते इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब थोड़ी रात हुई और सड़कों पर सन्नाटा हुआ तो दुकानदारों ने गाय के मुंह में टीन का डब्बा फंसा हुआ देखा। पहले तो लोगों को लगा कि थोड़ा बहुत फंसा होगा और आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आसपास के दुकानदारों ने उसे निकालने का भरपूर प्रयास किया। लेकिन आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बावजूद वो डब्बा जो है निकल नहीं पाया। इस प्रयास में गाय भी काफी उग्र होती नजर आई और जिला अस्पताल के पास दर्द से झटपटा रही गाय काफी परेशान रही। इधर उधर ये गाय भागती रही और आपको बता दें कि इस गाय को देखते हुए इमरजेंसी में तैनात एक वार्ड बॉय जिसका नाम राज श्रीवास्तव बताया गया, उसने अपने साथियों के साथ मदद की और किसी तरह से केन को काटकर गाय के मुंह से बाहर निकाला गया है। एक गाय को जो है काफी कैन फंस गया था। हम लोग करीब 3 बजे से परेशान हैं, सुपरमार्केट में फंस गए थे उसके मुंह में और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है 3 से 4 घंटे लगे इस ऑपरेशन को करने में। और हमारे दोस्त साथी जो है ब्रजात तिवारी यादव एडवोकेट तिवारी और सिद्धार्थ भैया हमारे, आशीष अवस्थी जी, काफ़ी मेहनत के बाद चारों लोगों ने कम से कम 3 से 4 घंटे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब जाके सफलता हाथ लगी है। और शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मनसा देवी के पास अमृत नगर मोहल्ले में रहने वाले एक दीपक पाल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यह हत्या छत पर की गई है और युवक का जो शव है वो छत पर ही खून से लथपथ हालत में मिला है। युवक के चेहरे पर भी चोट के निशान देखे गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने दीपक पाल के सगे बड़े भाई मनोज पाल पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। यह आशंका जताई जा रही है कि उसके बड़े भाई ने ही किसी विवाद के चलते अपने भाई की हत्या की है। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। अमृत नगर में दीपक पाल हैं, पुत्र रमेश चंद्र पाल, इनकी डेड बॉडी मिली है छत पर। प्रथम दृष्टया जो देखने पर लग रहा है मिट्टी और फिसलन का निशान है और मुंह के बल डेड बॉडी मिली है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा मृत्यु का कारण, फिलहाल संदिग्ध। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ रहा, क्या कारण पता चल पा रहा है कि भाई पर क्यों शक जाहिर किया गया? देखिए, शहर क्षेत्र मनसा देवी के पास जो एक अमृत नगर मोहल्ला है वहाँ पर ये दोनों भाई रहते थे। मृतक दीपक पाल, इसकी शादी नहीं हुई थी और जो इसके कमरे से जो है एक बियर की केन भी बरामद हुई है। इसका शव जो है वो खून से लथपथ अवस्था में जो है वो छत पर पड़ा मिला और घटना के बाद से ही इसका बड़ा भाई मनोज पाल जो था, जिसका दोनों भाइयों में अक्सर विवाद हुआ करता था, वो कमरे में अपने ताला बंद करके वो फरार हो गया है।
तो इनके जो बहनोई है उनके उनका ये कहना है कि उन्होंने एक तरह से आशंका जताई है कि ये हत्या जो है ये बड़े भाई मनोज पाल ने की है। जी, तो ओम शंकर, पुलिस की तरफ से या परिजनों की तरफ से जब पूछताछ की गई पुलिस ने जो की है, तो क्या कुछ तथ्य सामने निकल कर आए हैं? कैसे पहले भी किसी तरह की धमकी दी गई या जानलेवा हमला किया गया है? देखा, ये दोनों भाई थे, ये कुछ करते नहीं थे और इनकी आय का साधन, इनका एक मकान है जिसका किराया मिलता था, उसी किराए के सहारे लोग रहते, उसी के पैसे को लेन देन के लिए अक्सर झगड़ा भी हुआ करता था, जैसा कि मैंने खुद किराएदारों से बात करने पर जानकारी पाई है। तो उसके चलते ही भी झगड़ा हुआ है और दोनों भाई नशे के आदी थे। लेकिन तो अगर अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, आपसे जानना चाहेंगे, और जो आरोपी का, जो जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि आरोपी भाई ने ही हत्या की होगी, क्या उसका कोई पता चल पाया है? नहीं, उसके कमरे में ताला बंद है, वो मौके से फरार हो गया है, और इसके जो बहनोई और बहन, इसके परिजन और भी थे, रिश्तेदार, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेगी, उसके बाद जो है ये क्लियर हो पाएगा जो ये हत्या किस वजह से हुई। जी, ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि फिलहाल जो आरोपी भाई है वो फरार बताया जा रहा है मौके से, लेकिन पुलिस जांच में जुट चुकी है और जल्द ही आरोपी को भी पकड़ने का आश्वासन दिया जा रहा है। अब खबर रुक करेंगे बाजपुर की तरफ, जहां से थाना क्षेत्र के अजीर नदी के किनारे म्योरपुर ब्लॉक प्रमुख मान सिंह गौड़ ने छठ पूजा के निर्माण के लिए एक भूमि पूजन का आगाज किया। बता दें आपको कि जरह समेत आसपास के लोगों की समस्याओं को दूर करने की भी कोशिश की गई। और बताते चलें कि एनटीपीसी बीजपुर के आवासीय परिसर छोड़कर बीजपुर इलाके में कहीं भी छठ पूजा घाट नहीं है। काफी लंबे समय से श्रद्धालु भक्त पूजा घाट की मांग करते आ रहे हैं और इसी भूमि पूजन से क्षेत्रीय लोगों में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला कि इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र सिंह बघेल, गणेश शर्मा और रवि गुप्ता समेत श्याम सुंदर जायसवाल, विनोद भारती और काफी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। बता दें आपको कि जरहा में अजीर नदी के किनारे काफी समय से छठ पूजा घाट की मांग की जा रही है, आम जनता के द्वारा ही मांग है, और इसी मांग को देखते हुए म्योरपुर ब्लॉक प्रमुख मानसिंह गौड़ ने भूमि पूजन किया है और कहा है कि हमारे क्षेत्रीय क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान काफी समय से छठ पूजा घाट की मांग कर रहे थे, इसी को देखते हुए भूमि पूजन किया गया है। और ब्लॉक प्रमुख मानसिंह गौड़ ने बताया है कि सितंबर महीने में क्षेत्र में पंचायत कोटे से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और आने वाले आगामी छठ पूजा तक पूजा घाट बनकर तैयार भी हो जाएगा, जिससे कि छठ व्रत करने वाले तमाम श्रद्धालु भक्त काफी सुविधा उन्हें मिल सकेगी। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजपुर के सिर सोती रिहिंद बांध के किनारे शमशान घाट भी बनवाया जाएगा, इसी के लिए एक टीम के साथ जाकर खुद लोगों से राय विचार कर स्थान का चयन करने का काम किया गया और इसके बाद वहां भी काम शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर काफी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे हैं। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं यहाँ के और प्रधान हैं, जगमोहन जी हैं, तफसील जी हैं और हमारे संतोष जी हैं, देवनाथ जी हैं, प्रधान जी सुशीला देवी हैं। आप सभी लोगों के जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे छठ घाट और संस्थान घाट के लिए बराबर प्रेरित होता रहता था और हमें भी लगा कि नहीं, यहाँ गणेश्वर मंदिर जो धाम है, लगातार जो काफ़ी इस क्षेत्र के लोगों का आस्था है, इसलिए हमने यहाँ पे छठ घाट और जस्ट थोड़ा सा नदी के किनारे शमशान घाट मुक्ति धाम के लिए हम उद्घाटन किए हैं और क्षेत्रवासियों के। खबर यमुना एक्सप्रेस से जुड़ी है, जो आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेस वे पर सोमवार की रात को ही निजी कार से गश्त कर रहे सीओ मांच की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी है। कोतवाली सूरी क्षेत्र में माइलस्टोन 90 पर यूटर्न लेते समय पीछे से आ रहे एक ट्रक ने पुलिस की इस गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में कार कई बार पलटते हुए दूर जाकर गिरी है। सीओ कार ड्राइवर जो 40 साल के बताए जा रहे हैं, उनका नाम विपिन कुमार है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सीओ मांट नीलेश मिश्रा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे मांट पर सुरीर नौजाल और तमाम पुलिस बल मौजूद रहा और घायल सीओ को सिटी अस्पताल मथुरा में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है और पुलिस ने बताया है कि ट्रक को मौके से बरामद कर लिया गया है। हालांकि ड्राइवर की तलाश जारी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जिसे लेकर अब पुलिस अधिकारियों से जब बात की गई तो बताया कि सीओ मान नीलेश मिश्रा
प्राइवेट कार से चालक के साथ गश्त कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ और यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरीर क्षेत्र में माइलस्टोन 90 पर सीओ की कार हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया यह भी गया है कि सीओ की प्राइवेट कार के पर खच्चे उड़ गए और सीओ मांट नीलेश मिश्रा की हालत नाजुक बनी हुई है। और अब हर घर तिरंगा कार्यक्रम को और मजबूत बनाने के लिए प्रयागराज के मोहम्मद कासिम अहमद पदयात्रा कर रहे हैं। प्रयागराज से लखनऊ की पदयात्रा पर निकले मोहम्मद कासिम पांचवें दिन रायबरेली पहुंचे तो लोगों ने जोरदार स्वागत उनका किया है। मोहम्मद कासिम का कहना है कि वो आजादी के 75 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। इसी के तहत वो प्रयागराज से लखनऊ के लिए निकले हैं और वो रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे गांव तक में ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि हमारी आन बान शान तिरंगे को अपने घरों पर लहराएं। उन्होंने ये भी कहा कि ये अवसर आजादी के 75 साल बाद मिला है जब हम तिरंगे को अपने घरों पर लहरा सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी इस दौरान जमकर तारीफ की। प्रयागराज की पावन धरती से चला हूं और लखनऊ जा रहा हूं तिरंगा पदयात्रा, तिरंगा पदयात्रा, हर घर तिरंगा। ये आपके दिमाग में कैसे आया कि इतनी दूर जो है पदयात्रा है और प्रधानमंत्री जी ने हालांकि आह्वान भी किया है, तो इतना बड़ा बीड़ा आपने इस जर्नी में कैसे उठा लिया? देखिए, इतिहास में पहली बार हम लोग अपने अपने मकानों में तिरंगा झंडा फहराएंगे। 75 वर्ष हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन हम लोग के दिमाग में हम लोग को जागरूक करने के लिए कोई ऐसा प्रधानमंत्री, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला था आज तक जो हम लोग को ये आह्वान करे कि हम सब अपनी शान, अपनी जान, अपनी मान, अपने सम्मान को अपने अपने घरों में लगाएं। मैं प्रयागराज। और केंद्र सरकार के प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में अब विरोध शुरू हो चुका है और बिल के विरोध में आज रायबरेली जिले में विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर एक दिवसीय धरने पर बैठे नजर आए। उन्होंने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की, साथ ही बिजली विभाग के इंजीनियरों की मांग है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस ले ले, क्योंकि इस बिल के आ जाने से इसका प्रभाव सीधे जनता पर पड़ेगा और इस बिल के माध्यम से सरकार मुनाफे वाली लाइनों को पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। इन तमाम आरोपों के बीच इस बिल का जमकर विरोध किया जा रहा है। हमारी मांग ये है कि जो केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पेश किया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उसमें ऐसे प्राविधान किए गए हैं जो पहले निजीकरण किए गए, जैसे बीएसएनएल का निजीकरण किया गया तो जो लाभ की चीज़ें हैं जो वो सब पूंजीवादियों को दे दी गई और सरकारी तंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। और इसमें भी जो व्यवस्थाएं हैं कि जो लाभ के क्षेत्र होंगे वो निजी हाथों में दे दिए जाएंगे और जो नुकसान वाले क्षेत्र होते हैं उसको सरकारी विभाग में चलाया जाएगा, जिससे जो है आम जनता का भी नुकसान होगा, गरीब जनता का नुकसान होगा और किसान का भी नुकसान होगा। जो सब्सिडी वाले बिल उसको मिलते थे वो जो 1,000-1,500 रुपये में काम चल जाता। हमारी मांग ये है कि जो केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल खबर अब भोपाल से है, जहां परिवहन विभाग की बैरियर पर अवैध वसूली के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 1 किलोमीटर जाम मुरैना बैरियर पर घंटों लगा रहता है और यहां पर घंटों लोग फंसे रहते हैं। बता दें आपको कि नागरिक दैनिक अवैध वसूली करोड़ों का अवैध कारोबार यहां पर किया जा रहा है और वसूली का ये बैरियर परिवहन आयुक्त संजीव झा को फोन पर इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही इस मामले को निपटाने के आदेश अधिकारियों को सौंप दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अवैध वसूली के चलते यहां पर काफी देर तक जो वाहन है उन्हें रोका जाता है, उनसे पैसे वसूले जाते हैं और इसी वजह से इस सड़क पर काफी लंबा जाम लग जाता है। यात्रियों का कहना है कि काफी घंटों मशक्कत के बाद उन्हें वहां से निकलने दिया जाता है और इसी वजह से आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में जब उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी हुई तो तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को इस पूरे मामले में संज्ञान लेने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज सुबह मुरैना से निकलना हुआ
वैसे निकलना तो लगातार 4 बार हो चुका था, लेकिन आज कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। उस जाम के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब जो है आगे आए तो वहाँ परिवहन की चेक पोस्ट बनी हुई थी। उस चेक पोस्ट पे आके नज़ारा देखा तो हालत इतने ख़राब थे कि सिपाही जो है 100, 200, 500 रुपये के लिए ट्रकों को रोक रहे हैं और वहाँ जो है जम के वसूली चल रही है, जिसकी तत्काल शिकायत जो है परिवहन आयुक्त को की गई। परिवहन आयुक्त ने कहा मैं दिखवाता हूँ, लेकिन अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न एक बात का ये उठता है कि माननीय नितिन गडकरी जी ने जिस मामले को लेकर पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री मुकेश जैन को हटाया था, वो मामला यही था कि बैरियरों पे अवैध। और मुहर्रम की तारीख को जुलूस बड़े ही अदब के साथ निकाला गया और ताजेदारी के साथ साथ धुलधुल निकाल कर ये जुलूस मनाया गया है। और इस दौरान जगह जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लंगरे खास का इंतजाम भी किया, इसे लोगों ने तकसीम किया है। और आपको बता दें कि रायबरेली सीओ सिटी वंदना सिंह पूरी फोर्स के साथ जुलूस में तैनात रही। सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम देखने को मिला है, जगह जगह पर पुलिस पेट्रोलिंग और मुस्तैदी देखने को मिली। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह ने भी कहा कि वो अपनी फोर्स के साथ मुस्तैद रही हैं और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार दरअसल पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद की नाती हजरत इमाम हुसैन को कर्बला की जंग में परिवार समेत शहीद कर दिया गया था। मुहर्रम महीने का इतिहास इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम होता है और इस गम का महीना भी इसे कहा जाता है। इस्लाम में इसे रमजान के बाद दूसरा सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने इमाम हुसैन, जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद के पोते थे, उनकी शहादत हुई थी। इसी शहादत को याद करते हुए मुहर्रम के दिन जुलूस और ताजिया निकाला जाता है। और रायबरेली में रफ्तार का कहर एक बार फिर से सामने आया है, जहां एक अनियंत्रित रफ्तार से आ रही बुलेरो गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस कारण बुलेरो की टक्कर से बाइक सवार और बाइक में बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक की पहचान लाले, जिसकी उम्र 40 साल है, के रूप में हुई है, जबकि महिला का नाम विद्यावती बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 45 साल है। आपको बता दें कि दोनों ही घायलों को गंभीर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और यहां पर घायलों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। घटना सालौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गणेशगंज बाजार के पास की बताई गई। लाले आए हैं 40 साल, उन्हीं के बाद एक आई है विद्यावती, दोनों लोग साथ में ही थे, एक्सीडेंट हुआ है और लाले की हालत गड़बड़ है तो विद्यावती फिलहाल ठीक दिख रही है, मगर उनको भी चोटें काफी हैं, दोनों लोग को एडमिट किया गया था स्टेट करने के बाद। ऐसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज़।